नमस्कार भैया, मैं पंकज बोला था भोजपुरी कलेक्शन न्यूज चैनल से। हमारी बात दया शंकर भैया से हो रही है जो कि यूट्यूबर एज। हाँ भाई, हो रही है, बताइए कैसे हैं आप। बस ठीक है भैया, आप कैसे भैया? मैं भी ठीक हूँ भाई। और जी सॉरी, जी आप बहुत दिनों से आप मैसेज कर रहे थे लेकिन हम आपको उस टाइम नहीं दे पाए, बिकॉज उसके लिए हम सो सॉरी, दिल से सॉरी। बिकॉज नहीं आपको नहीं मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जी क्या हुआ था, कुछ कुछ जी प्रॉब्लम में हम लोग भी फंसे हुए थे, तो इसीलिए मैं आपने बहुत बार मैसेज किया। मैं उसका इग्नोर किया, डोंट माइंड, ऐसा मत समझना कि लाइक आप ज्यादा बड़ा बन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए थे जी और धीरे धीरे प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट हो गया है। सब कुछ चीजें चीजें अभी सेंसिबल हो गई है, जगह पे आ गई है, बट स्टिल प्रॉब्लम तो है ही अभी भी। जी जी तो भैया, हम आज भैया के साथ जुड़ चुके हैं और काफी दिनों बाद, जो कि भैया जैसे बताया कि कुछ रीजन से नहीं बात कर पाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं भैया को, जो कि फिल्म को लेकर दो सुपरस्टारों का, पवन सिंह जी और खेसारी जी। जी भैया, तो भैया सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खेसारी भैया का, जो कि संघर्ष टू को लेकर। संघर्ष टू को ओके, लेकर क्या कहना चाहते हैं, जो कि आप ट्रेलर देखे हैं और वही हर गंगे का जो है आप ट्रेलर देखोगे, तो मतलब ट्रेलर में क्या आपको मालूम, मतलब कि कैसा आपको रिस्पॉन्स लगा, मतलब दोनों ट्रेलर में से, दोनों ट्रेलर का? देखो भाई, सबसे पहले ये खेसारी लाल यादव की फिल्म है, तो खेसारी लाल की फिल्म तो हमेशा ही उनके फैन का एक अलग दबदबा रहता है। फिल्म जी चाहे कैसी भी हो, फैन एक सपोर्ट उनको करेंगे कैसे भी करके। अब सवाल रहा खेसारी लाल की फिल्म का ट्रेलर का, तो ट्रेलर नो डाउट बहुत लाजवाब है। खेसारी लाल जी का जो बंदूक वाला सीन हो गया, या लाइक यू नो जो एक्शन दिखाया गया है, थाईलैंड में शूटिंग हुई है, अंडर वाटर शूटिंग हुई है, तो काफी ज्यादा बजट इसमें इन्वेस्ट किया गया है खेसारी टीम के तरफ से, आई मीन खेसारी जी के प्रोड्यूसर्स के तरफ से। तो एक उम्मीद है, बहुत बड़ा उम्मीद है कि ये एक भोजपुरी इंडस्ट्री में चेंजेस लेके आएगी। और सवाल रहा आपका हर हर गंगे को, तो पहले मुझे भी लग रहा था कि हर हर गंगे शायद दब जाए संघर्ष टू से, लेकिन जब ट्रेलर आया भाई, देख के बड़ा मुझे अच्छा लगा कि पवन सिंह से मैं उतनी अच्छी एक्टिंग की उम्मीद करता नहीं हूँ। हालांकि पवन सिंह बेस्ट सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्री के, एक्शन मतलब एक्शन अच्छा करते हैं, लेकिन ओवरऑल में खेसारी लाल से बेहतर नहीं है एक्टिंग में। लेकिन पवन सिंह ने जो एक्टिंग किया है उसमें, और काबिले तारीफ है। और दूसरी चीज है भाई, आप देख सकते होंगे कि पूरे फिल्म में सिर्फ एक ही चर्चा पे ध्यान दिया गया है, गंगा मैया गंगा मैया, स्टार्टिंग से लेकर गंगा मैया एंड तक गंगा मैया। तो ये एक जो जो दिखाया गया है फिल्म में गंगा गंगा मैया को लेकर, तो ये बड़े लेवल पे जो जनता है उसको काफी स्ट्राइक करेगा। और दो तरह की जनता होती है, एक जनता तो जो कट्टरवादी जनता है, जो कि कुछ पवन सिंह के भी हैं और खेसारी लाल के भी है, तो वो सिर्फ खेसारी की ही मूवी देखेंगे और वो पवन की ही मूवी देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जनता जो होती है ना, वो दोनों भी देखती है। जी तो बड़े लेवल की जनता के दिमाग पे हर हर गंगे एक असर तो डालेगी, लोग के अंदर एक जरूर ऐसा होगा कि चलो यार देख के आते हैं, गंगा मैया के ऊपर फिल्म बनाए, क्या बनाए हैं पवन सिंह। तो मतलब टक्कर बहुत तगड़ी है, लड़ाई बहुत तगड़ी है इस बार। अभी एक तरफा मैं आके बोल दूं कि नहीं संघर्ष टू ही जीत जाएगी, तो ये बोलना मूर्खता होगा, या मैं बोल दूं कि हर हर गंगे ही जीत जाएगी, बोलना मूर्खता होगा। जब तक एक दो दिन रिलीज के नहीं होते हैं, रिपोर्ट नहीं आते हैं, तो बताना बहुत ही इम्पॉसिबल है कि कौन सा फिल्म आगे जाएगी। लेकिन दोनों फैंस के, पवन सिंह का फैन हो या खेसारी जी के फैन, दोनों फैंस के हौसला बुलंद है, दोनों एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि पवन सिंह का हर हर गंगे आगे निकल जाएगी, खेसारी फैंस का कहना है कि भैया संघर्ष से ऊपर तो फिल्म ही नहीं हो सकती। तो मजा आएगा आपको भी देखने में पंकज जी। हाँ हाँ जी, तो क्या आप ये फिल्म देखने जाएंगे दोनों फिल्म? बिल्कुल भाई, मेरा प्लानिंग ये है कि एनी हाउ मुझे पटना पहुंचना पड़ेगा अगर टाइम निकाल के, बिकॉज सी कि अगर सिर्फ लाइक बोलने पे नहीं होगा, मुझे एनी हाउ कहीं ना कहीं तो मूवी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी नहीं देखूंगा तो फिर फैंस बुरा मान जाएंगे। दोनों मूवी मुझे देखनी पड़ेगी, दोनों मूवी देखने के बाद पब्लिक का रिस्पॉन्स डालने के बाद कुछ ना कुछ मुझे लाना पड़ेगा, तभी फैंस को मतलब चैन मिलेगा। क्योंकि फैंस का मानना है अगर मैं बिना फिल्म देखे आके किसी फिल्म को अच्छा बता दूं या बुरा बता दूं तो ये बेवकूफी होगी। तो मैं कैसे भी 90% आप मान के चलिए कि मैं फिल्म कहीं ना कहीं देखूंगा, एक दिन या दो दिन के लिए मैं टाइम निकालूंगा, मैं पटना जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा इस बार। जी, तो अगला सवाल ये था संघर्ष टू और हर गंगे, जैसे कि आपने जानकारी दिया कि भैया कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई, काफी
स्वच्छ और हर गंगे जो है स्वच्छ भारत जो है दोनों फिल्म अच्छा है, एक देश के ऊपर किया गया है और एक समाज के, समाज में जिसको हम लोग पवित्र मानते हैं, गंगा मैया के पानी के बिना कोई काम नहीं होता है, तो दोनों फिल्म का मतलब जोड़ा नहीं है, जुड़ नहीं है, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब समझ में आएगा कि क्या एक्टिंग है क्या है नहीं है। क्या ये अभी सुनने में ये भी आ रहा है अनाउंसमेंट जो कि कर दिया गया है पवन सिंह जी का हर गंगा जो है इवेंट होने वाला है गोरखपुर में, हाँ क्या वही खेसारी जी का भी कुछ इवेंट को लेकर कुछ है? अभी तक मैं आपको बताऊं कि मैं खेसारी जी की तरफ से कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन हाँ पवन सिंह की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, अभी भी कच्ची पक्की वाली अनाउंसमेंट है, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर होती है ये चीज इवेंट होती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा भोजपुरी के लिए भी, सारे क्रिएटर्स के लिए भी, क्रिएटर्स पहुंचेंगे। नहीं नहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है ये, जो कि झमकौला से हुई, जो कि गाने का पोस्टर आउट हुआ वहां पे नीचे लिखा गया था, लिखा हुआ है, तो इसलिए आज सुबह एक पोस्टर आया, मैं दो दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो भी मैं दो दिन पहले एक हल्ला सुना था, तो चलो अच्छी बात है कि पवन सिंह इवेंट कर रहे हैं, तो ये पवन सिंह को इसका फायदा जरूर मिलेगा, खेसारी लाल को भी इवेंट करना चाहिए। हालांकि मुझे खेसारी लाल की टीम की तरफ से थोड़ा सा मैं निराश हूँ कि उनके तरफ से कोई इस फिल्म को लेकर प्रमोशन नहीं किया जा रही है मेरे पास। क्या रीजन है, क्या यही मैं पूछे चला आपसे, मतलब रीजन भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि स्टार्स को उतना मतलब नहीं है कि आपने फिल्म पे, कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब स्टार कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि क्या करते हैं यार। अब इतना मेहनत खेसारी लाल ने किया है, इतना मेहनत करा है भाई, कम से कम इस फिल्म के लिए आप अपने गाने के लिए 10 बार लाइव आ जाते हैं, इस फिल्म के लिए कम से कम आप 4-5 बार लाइव तक नहीं आए, आपकी हीरोइन जो है उनका कोई एक्टिविटी नहीं है, आपके जो ट्रुप के मेंबर है उनका कोई एक्टिविटी नहीं है, आपके राइटर का एक्टिविटी नहीं है, आपके मैनेजर का एक्टिविटी नहीं है, क्यों ऐसा क्यों? तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को फिल्म से मतलब नहीं है। अल्टीमेटली भोजपुरी इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री ऑफ अ एल्बम, और एल्बम इंडस्ट्री से आप कितना बड़ा बना सकते हो भोजपुरी को? नहीं नहीं बिल्कुल, 100 करोड़ का भी कमा सकते हो, 200 करोड़ कमा सकते हो, तो उसके लिए आपको फिल्म को प्रमोट करना पड़ेगा। कम से कम खेसारी लाल की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं दिखी है दोस्त, इसके लिए ना मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, और ना कि पवन सिंह की टीम से भी वही है भाई, कुछ उन्होंने भी कुछ ऐसा उखाड़ नहीं लिया है, उनका भी मतलब कोई कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। अच्छा ये मैंने जो कि इंटरव्यू लिया था, और एक इंटरव्यू और वापस लिया था चंदन उपाध्याय जी का लिया था, कि प्रमोशन की बहुत जोरों जोर से चालू हो रहा है, होने वाला है, और जो कि ऑलरेडी अनाउंसमेंट तो हो गया है, बट एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जो कि स्मिता सिन्हा जी को लेकर, उन्होंने बोला था कि जो डायरेक्टर हैं ट्रेलर में हमको नहीं दिखाए, आखिर क्या इससे आप क्या? अब देखिए भाई मेरे, अब स्मृति सिन्हा पवन सिंह के बारे में बीच बीच में क्या चल रहा है, क्या बात है, या प्रोड्यूसर उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बीच में क्या बात है, वो तो उनका आपसी बात है, ये तो चीज सामने मैं नहीं रख पाऊंगा क्या बातें चल रही है, लेकिन जो भी हो इसका मैं क्रिटिसाइज करता हूँ स्मृति सिन्हा जी को भी। देखिए जानते हैं एक बात कहा गया है दोस्त, कि अगर आप फिल्म का हिस्सा है, अगर आपको नहीं भी दिखाया गया है ना, आप फिल्म में काम किए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका रोल काट देगा, आपका तो लाइक जनता तो आपको देखेगी ही, और आप तो ऐसी हो नहीं कि कोई नई कलाकार हो, आप कोई ऐसी अदाकारा हो जिसका कोई मतलब पहचान की मोहताज हो, आप एक बड़ी लेवल की सुपरस्टार हो, तो आपको ये चीज नहीं करना चाहिए था इस टाइम पे, आपको प्रमोट करना चाहिए था और आके पॉजिटिविटी फैलाना चाहिए था, फिल्म को लेकर नेगेटिव बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, ये चीज पवन सिंह के फैंस को काफी दुख दे रही है और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं मेरा मानना है कि जिस रोटी में जिस थाली में मैं खाऊंगा उसमें मैं छेद करना नहीं समझता हूँ कि सही है, ठीक है, अगर जिस मान लो कि मैं जिस खाली थाली में खाया हूँ तो मेरा काम ये भी है कि मेरा मालिक, अगर मतलब मालिक मतलब इन सेंस गलत हुए मत लेना, अगर प्रोड्यूसर नहीं वैल्यू कर रहे ठीक है भाई, ये करा है ना तुमको, आपने काम करा है ना, आपने मेहनत करा है ना, तो पब्लिक आपको देखी कि आप आके बोलिए कि हाँ ठीक है मुझे नहीं दिखाया गया ट्रेलर में, लेकिन मैं ओवरऑल फिल्म की हिस्सा हूँ, तो आप लोग जरूर आइएगा जरूर देखिएगा, तो पब्लिक तो जानेगी ना मेरे भाई, आप इस टाइम पे नेगेटिव बोलकर फिल्म के इमेज को खराब करना कतई सही नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, 2 सुपरस्टारों का फिल्म लग रहा है, वही बॉलीवुड में भी फिल्म लग रहा है गणपत, हाँ तो वो भी 20 तारीख से ही लग रहा है, क्या दोनों? देखो मैं एक बात बताता हूँ भाई, कहीं से भी ना ये बोलना बड़ा मूर्खता होगा कि हम लोग भोजपुरी को कंपैरिजन बॉलीवुड से करें, उनकी जनता उनका जोनर पूरा अलग है, हमारा हमारी जनता हमारा जोनर बिल्कुल अलग है,
हमारा हमारी जनता बिहार में, यूपी में, झारखंड में बॉलीवुड की फिल्में भी उतनी नहीं चलेगी, हमारी जो भोजपुरी की जनता है वो भोजपुरी इसी को ही सपोर्ट करेगी। अब ऐसा बोलोगे कि अब गणपत से आगे निकल जाएगा ये हमारा हर हर गंगे या कुछ भी, तो पूरे ओवरऑल रेटिंग में नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी एक अलग जुनर है, उनका एक अलग जनता है। हमारा बिहार की जनता, यूपी की जनता, झारखंड की जनता, ओवरऑल सब जगह की जनता मिला के हमारा एक अलग जनता है, उनका एक जनता अलग है, तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। हाँ ये बात है, अच्छी फिल्म बनेगी तो बॉलीवुड के जो क्रिटिक्स रहते हैं उनका भी नजर रहता है, उनका भी, वो भी रिस्पॉन्स चेक करते रहते हैं, तो उनके तरफ से फेसबुक पे पोस्ट आता है, वो सर फेसबुक के पोस्ट बड़े बड़े एक्टर, यहाँ तक कि एसआरके भी हो गए, सलमान खान जी हो गए, जितने बड़े बड़े एक्टर हैं उनके पोस्ट को लोग देखते हैं, तो एक नजर में बनता है भाई। और आज यही बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सबकी नजर में आ गई है, आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर बाहर के भी, साउथ के भी, यहाँ तक कि साउथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बाहर के आई मीन तो से बॉलीवुड के भी बहुत लोग ऐसे आएंगे जो कि हमारे भोजपुरी में इन्वेस्ट करेंगे, ये 100% है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, यही होगा। तो मतलब कैसा है, वैसे देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री काफी बदलाव हो ही रहा है और हो भी है। बदलाव बिल्कुल 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 बदलाव हो रहा है, देखो सारे का मैंने बहुत ज्यादा चेंजेस लाया, अभी जियो भी आ रहा है, जियो सिनेमा जो आप देख रहे हैं ना, जियो का भी एक चैनल आ रहा है बहुत जल्द, आप जानते हैं जियो का भी एक चैनल आ रहा है, तो उसमें उनके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हमारे बद्री झा जी होंगे। अच्छा, बद्री झा जी सारे का हम भोजपुरी छोड़कर अभी जियो में ज्वाइन कर लिए हैं। अच्छा। आप समझ लीजिए जब रिलायंस जियो इन्वेस्ट करेगा तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं ना, किस लेवल का तांडव होगा भोजपुरी में, आप समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गलत बात है भैया। और आई थिंक काम चालू भी हो गया है, शूटिंग चालू भी हो गई है टाटा में। अच्छा। ठीक है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो टाटा में कल्लू जी का एक गाने का शूटिंग चालू भी हो गया है। अच्छा। जियो के लिए आई थिंक चैनल का नाम शायद जियो भोजपुरी रखा जाएगा, क्या है ये मुझे पूरा एग्जैक्टली पता नहीं है कि चैनल का नाम क्या रखेंगे वो, लेकिन भाई बहुत बड़े लेवल का काम होने वाला है। क्या बद्री जादी छोड़ दिए हैं संघर्ष? हाँ, बद्री जादी सारे गामा हम भोजपुरी छोड़ दिए हैं, ये 100% खबर है, पूरी पक्की खबर है, और आज नहीं तकरीबन मतलब ये खबर 20-25 दिन पुरानी है, और वही जियो के साथ मिलके एक बड़ा बदलाव ला रहा है, और भाई उनके अंदर कैलिबर है भी, कुछ ना कुछ वो अच्छा करेंगे। जितने दिन वो सारे गामा के साथ थे भोजपुरी में, आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग हम लोगों का क्या आदत था, हम लोग किस लेवल का घटिया वीडियो बनता था, और घटिया वीडियो हम लोग देखते थे, जब से सारे गामा हम भोजपुरी आया सारे कंपनी में भैया अपना वीडियो चेंज कर दिया, और ऐसा लगता है कि नहीं भैया अब वीडियो बनता है देखने लायक। जी जी भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो रही थी, ठीक है, दो सुपरस्टार को अक्सर देखा जाए तो बहुत सारे कैसे फैंस को लेकर बहुत सारे अनबन हो रहे थे, और वही शो अवार्ड शो के दौरान रवि किशन जी भैया जो कि बहुत बड़े सिंगर एज एक्टर माने जाते हैं, काफी ओल्ड राइट एक्टर हैं, उन्होंने दो सुपरस्टार को बीच मतलब मिलाव किया, आप तो फिर उस वक्त आपको कितना खुशी हुआ भैया? नहीं भाई देखो, मैं सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूं, अब पंकज आप भी जानते हो कि जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरा भी यही काम था कि भोजपुरी में सबको जोड़ के रखने का, बट मुझे रखा मतलब मुझे मतलब रखने नहीं दिया लोग, ठीक है। अच्छा। बट अभी कोशिश, मैं भी थोड़ा लाइन से भटक गया था, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि लाइन मैंने सही कर लिया अपना, सबको लेके चलूं, सबको जोड़ के रखूं, क्योंकि यार तोड़ने में मजा नहीं है, जोड़ने में बड़ा मजा है। और कुछ ऐसे यूट्यूबर थे जो कि चाहते थे भोजपुरी में हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी होते रहे, तो धीरे धीरे उनका सफाया भी हो गया, आप देख ही रहे हो। नहीं जैसे अभी भैया दो फिल्मों का, जैसे अभी देखिए आनंद मंदिर थिएटर ने ये पोल किया था, ठीक है, संघर्ष 2 को ज्यादा वोटिंग किया गया, तो चंदन उपाध्याय ने ये भी बोला कि वो तो सोशल मीडिया है, तो भाई वो अपनी तरफ से वो उसने फैंस फॉलोअर जिसका ज्यादा हो भाई उसको तो वोटिंग मिलेगी, क्योंकि सोशल एज ए मीडिया। नहीं देखो सवाल मैं बता रहा हूँ, सवाल बहुत 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 क्लियर है दोस्त, दोनों फिल्म चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, जिसका जहाँ पे दबदबा ज्यादा होगा उसका फिल्म वहां वो चलेगा, ये आप नहीं बोल सकते हैं कि संघर्ष 2 एकदम चलेगा हर हर गंगे एकदम बेकार हो जाएगा, या हर हर गंगे ही चलेगा संघर्ष 2 बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों फिल्म चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए दोनों फिल्म चलेगी अपने अपने जगह पे। जी जी, जो कि मैं खुद जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ खुद जाऊंगा, मैं मुंबई में अजय रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुंबई में बहुत, मुंबई में आई थिंक पैन इंडिया फिल्म आ रही है तो मुंबई में जरूर रिलीज होगी, तो मुंबई में आप जाइए देखिए। चंदन उपाध्याय जी ने खुद बोला है उन्होंने कि हर हर जगह पे रिलीज किया जाएगा, मैंने जो कि इंटरव्यू मैंने अपने चैनल द्वारा लिया है जो कि हाँ,
चलिए सम्मान करेगी हो जाए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया और समय दिए और हम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर से मैं सॉरी बोलता हूँ कि थोड़ा लेट हुआ, आपको पता था रीजन क्या है, इसीलिए ऐसा नहीं था कि मैं आपको इग्नोर कर रहा था, आई एम सो सॉरी। और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग पॉजिटिव बनाए, सारे भाई मिलकर रहे, लव यू। जी बाकी कुछ भैया गलती हुआ तो उसके लिए सॉरी, क्वेश्चन नहीं नहीं सॉरी कुछ भी नहीं, आप बहुत अच्छे बनाते हो, मेहनत कर रहे हो, सबसे इंटरव्यू ले रहे हो, आप बड़े खुले दिल के हो, मुझे पता है, मैं आपको 2-3 साल से जानता हूँ, बहुत मेहनती बच्चे हो आप, भगवान करे कि आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाए। और मेरे को जितने देखने वाले हैं भाई, इनको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पे मेहनत करता है बंदा प्लीज, और बहुत अच्छा बंदा है, तो ऐसे बंदे को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच यार, और कुछ भी होगा जरूर, कहीं से भी कुछ हेल्प चाहिए होगा आप जरूर मेरे से कॉन्टेक्ट।